नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। भारतीय राजनीति के कुछ ग्लैमरस चेहरे अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के ये चेहरे अपने काम से ज्यादा अपने हुस्न के कारण चर्चाओं में बने रहते हैं। अब आम आदमी पार्टी के साथ भी एक ऐसा ही चेहरा जुड़ा है। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना शर्मा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर आधिकारिक रूप से राजनीति में शामिल होने की पुष्टि की और इसकी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की। आपने भी सोशल मीडिया हैंडल पर एक्ट्रेस का पार्टी में स्वागत किया और ये बताया कि कंगना शर्मा अरविंद केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुई हैं। आप परिवार उनका पार्टी में स्वागत करता है। तो कौन है कंगना शर्मा, क्या है उनकी प्रोफाइल और कैसी है उनकी जर्नी, आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। हरियाणा की रहने वाली कंगना शर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1989 को हुआ था। कंगना पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं जो हरियाणा के करनाल से आती हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद वो मॉडलिंग में हाथ आजमाने लगी। मॉडलिंग करते करते वो एक्टिंग के फील्ड में आई और अब राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कंगना शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2012 में बतौर मॉडल से ही की थी। वो पंजाबी सिंगर हार्डी संधु के गाने यार नी मैला में नजर आ चुकी हैं। तो इसके अलावा पूजा सिंह के पर्दे में फिर से, 79 गिल का जान लेन तक, जॉनी सेठ का ब्यूटी ओवरलोड और इक्का के निंद्रा जैसे म्यूजिक वीडियोस में भी अपना जलवा बिखेर चुकी हैं। बॉलीवुड में साल 2016 में कंगना शर्मा ने कदम रखा था। फिल्म थी ग्रेट ग्रैंड मस्ती। अपने बोल्ड अवतार की वजह से उन्होंने उस साल खूब सुर्खियां बटोरी थी। इंस्टाग्राम पर कंगना शर्मा 16 के नाम से उनका अकाउंट है। वो जमकर बोल्ड फोटोशूट शेयर करती हैं। उनकी इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा उनके करीब 1.5 मिलियन फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है। हाल ही में वो किसी मैगजीन फोटोशूट में भी नज़र आई थी। तो ये थी आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाली कंगना शर्मा से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।